अपनी आंखों से देखा। बात शुरू करूं उसके पूर्व, आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और आज के दिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सीमा सुरक्षा बल की सरमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत भी हो रही है। इन दोनों महान विभूतियों ने हमने अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया जो हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैंने आज़ादी को 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूँ और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से अभिलाषा था, जिस तरह से बारा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी आयोजन है। हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी, मुझे जमाल साहब बता रहे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा, ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी। मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और छत्तीसगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी यह निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है। इस समय और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आएँ या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आएँ आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ के आएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ये ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी वैसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया, हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है, ज़्यादातर सड़कें ज़्यादातर स्वानुभूमि के नाम से जम्मू कश्मीर में रखा जाएगा, इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से काम शुरू हो गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी, उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए।